तो कितने का आपको जो इसमें या कितने की जैकेटें होंगी आपकी? सर यही देख लो ना, जहाँ हजार हजार एक पीस है, 5 लाख रुपए का माल है। अब एक जैकेट 600-700 रुपए की आंधी है, तो आप यही अंदाजा लगा लो तो 5.5 लाख की माल सी। हम सबसे ज्यादा नाकामी कहूँगा तो प्रशासन को जी। अगर पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा नाकामी है तो प्रशासन का है। सर रात में जिदा दुकाना बंद करके गया ना जी, उस तो बाद जब सवेरे आके देखा तो ताला टूटा होया सी। इहदे घट्टो घट बंदे का 4-5 लाख का माल हैगा सी, जनकि एक जैकेट 600 रुपए की आती है, 1300 जैकेट आती है भाई। आप गरीब लोग हैं, इतने परदेश में कमान रोटी खान आया हैगा, अगर इन्ना इन्ना का नुकसान होगा बंदे नू तो किदा रोटी चलूगा? कोई शक किसे पे नहीं सर, शक किस पे करेंगे, रोड की दुकान है तो ग्राहक तो आंदे जानते रहते हैं ना। देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। सो दोस्तों, जे सीधा ही ठंड पैनी शुरू हुई है, धुंदा पैने शुरू हुई हैं, तो चोरों के जोड़े हौसले वो बुलंद होंगे जा रहे हैं। एक पास ठंड अपना कह जो कहर ढा रही है, दूजे पास चोर। सो एक दुकान दिखा रही है जिते कि बीती रात जोड़े की है छात्र चोरों वालों पूरी दुकान का जोड़ा कि समान लुट लिता जाता है। दुकान से दसया जाता कि काफ़ी भारी मात्रा में जैकटा का समान रखा सगा प्रवासी भाईचारे वालों की यह दुकान, तो उन्होंने पूरी दुकान जी कि दस दिए खाली कर दी गई है। सिर्फ जी की है कुछ रहिंद गूंद होंगी उ छड़ दी, ताले तुम देख सकते हो कि ताले लगन वाली जगह जी कटर कट दी गई है, जोड़ा जितों की ताले लगते हैं तो शटर भी एक सैड तो उखाड़ता सगा। तो जो बाद इतने चोरी होंगी है, सो मुलाजम भाईचारा भी इतने पहुंचे है तो पहला क्योंकि मुलाजम साहब इतने इन्वेस्टिगेशन करके हटे, पहला उन्होंने ही गल कर लेंगे ने। सो जो जी सो सर इतने इन्हें माड़ा ही दसना ही है सर, की मामला की होया? मामला कोई रात में ना नेरे च 2-2.5 बजे तो बाद कैमरे चेक कर रहे हैं, अजे पता तो लगा नहीं किन्ने बजे आए हैं। दो बंदे ना शटर जैकटा की दुकान है, शटर का ताले तोड़ के ना शटर चक के बिच अंदर चोरी करके लगाए जैकटा चोरी। ताले तोड़े है कि कटे है? इतने कटर जो जिते ताला लगता हों जगह कट्टी नज़र आ रही है। हाँ कट्टे सारे, बाकी अभी तफतीश कर रहे हैं, देखते हैं बाकी कितने की हो रहा है। कैमरे कूमरे चेक करके 1100 पीस है मजे गरीब बंदे दा बेचारे दा चल गया जेड़ा जैकटां दा विच बच्चे वालियां को दूजे बेचियां जा रहा। हां किन्ने क दा सर नुकसान दस्या जा रहा है, अंदाजा किन्ने क दा नुकसान इहनां वल्लों दस्या जा रहा है? ए वीर जी कह रहा है मेरा 1-2.5 लाख दा कहिंदा नुकसान होया। अच्छा हां 2-2.5 लाख दे लग 2-2.5 लाख दा इहनां वल्लों नुकसान आ। ते सर ए चोरां दी कोई अजे तक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जां वीडियो आई है कुछ माड़ी मोटी? वीर जी कैमरे चेक कर रहे, दोवां कैमरियां दी लोकेशन वेख रहे हां, कैमरे दे अजे को धुंध दा करके को क्लीयर कट नहीं आ रहा, बाकी अगे अगे वेख लेने अगे तो गांह कैमरे आप चेक करके यदि तफतीश जारी रख जी। सर अंदाजा वाकया किस समय का दस रहे हो? वीर जी ये 2-2.5 बजे तो लागे करीब है जी, 2-2.5 बजे। लोगों वालों कहना कि शायद चोरों ने इतने लोगों ने आते आते राह गिरन देखे भी उत्थे बह के आराम ना खा पी के भी नाल दे पासे शायद गए। ये नहीं वीर जी कह सकते, इधर हूँ कोई भी आके बह सकता, कोई दारू दी बोतलों के परे साइड से खाली पईयां है, हूँ पता नहीं कौन खाली प्लाट के कौन बह सकता उत्थे, यानी कि हजे इन्वेस्टिगेशन दा मुद्दा इन्वेस्टिगेशन जा रही मेरा वीर जी। सो ये सर क्लीयर कट अजे हो नहीं पा रहा, यानी नहीं अजे हो नहीं है, कैमरे आप चेक करते हैं, कोई नहीं इन्हों फड़ लेंगे चोरों को फड़ा। सो सर किस एरिए जी शॉप पै रही है? ये जी अपना कलाश नगर रोड प्रीत विहार के थाना थाना मेहरबान मेहरबान के। हाँ जी सो दस दिए कि थाना मेहरबान के अधीन जेडे कि इतने मुलाजम आए हुए हैं, तो दुकान आ दुकान के दसिया जा रहा कि 2-2.5 लाख की जी की है चोरी हो गई है। सो इतने शॉप किन्ना दी हैगी है? सो शॉप जी की जो मीडिया कर्मियों गल करता पर तुम दिखा रही है बकुआ दिखा रही है कि इतने शटर तो जोड़ा की है कटर नाल कटिया गया है, जी ताले लगन वाली जगह आ वह कटर नाल कट्टी गई है। सो इतने पिया आ तो आ दिखा रही है तुम तोड़िया गया या कटिया गया इतने जिन्हें लोग लाया जाता, तो उदू बाद दुकान के पिछों की जी जैकटा आ बच्चों दिया व्डिया दिया होर जैकटा चोरी कर लीती जाने से पर जोड़े कि जिदा ही एक तो पासे ठंड का कहर तो एक पासे जो चोरों का कहर है पंजाब के दिनों दिन जोड़े की आ जे गल करिए चोर चोरी डकैती तो एक आम हो गई है, शायद चोरों को कोई डर नहीं है तो बिना बेखौफ चोर जोड़े की आ रोज़मर्रा की जिंदगी अपन वारदातों अंजाम देंदे पे ने।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਧੁੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਸੋ ਭਈਆ ਆਪਕੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਭਈਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ जानकारी है सर कल तो दुकान चलाई थी क्योंकि कल मंडी सी थे जी जी 10 बजे रात तक चली है दुकान जी फिर मैं दुकान बंद करके घर चले गया कितने बजे घर गए मैं 10 बजे दुकान बंद कर दिया अच्छा जी तो कितने का आपको जो इसमें यार कितने की जैकेट होंगी आपकी सर यही देख लो ना जी हाँ हजार एक पीस सी 5 लाख रुपए का माल है अब एक जैकेट 600-700 रुपए की आंधी है तो आप यही अंदाजा लगा लो तो 5.5 लाख की माल सी हाँ जी असि उधारी माल लाते बाजार से हफ्ते के हफ्ते पेमेंट कर दीजिएगा क्योंकि अपने पैसे लगे नहीं क्योंकि तो मैं पर जो पुलिस वाले वो 2-2.5 लाख का बता रहे नहीं तो वो गलत बता रहे हैं ना जी। उसके कम्प्लेन लिखा गया 1100 4-5 लाख हाँ 5.5 के करीब दुकान रेंट देती है जी जी सर की वको क्यों है जी सर रात को जिदा दुकाना बंद करके गया ना जी उस तो बाद जब सवेरे आके देखा तो ताला टुटिया होया सी इहदे घट्टो घट बंदे का 4-5 लाख का माल हैगा सी जनकी एक जैकेट 600 रुपए की आती है 1300 जैकेट आदि बिच भाजी ते रात नु पी के बंदे ना दारू भी पीती है पिछे जी जेड़े चोरी करके गए हां चोरी करके दारू भी पीती है जनकी इन्वेस्टिगेशन दा मुद्दा हजे की क्लियर कट तुसी लगदा भी ओही बंदे जेड़े ने दारू पीती है भाजी पक्का अच्छा जी कोई किसी दे निशान दे कोई जानकार लगदा सर हल्ले दा नहीं हैगा देख के पता लगूगा सर जी जिदा तुम कह रहे भी जिन्होंने जिन्होंने दारू पीती है ये बोतल देख के कह रहे हो खाली बोतल देख के तुम देखिया सर कम चलता देखो नाल दी साइड ते बइए लोग तो बेचारे पी नहीं सकते है दारू बइए लोग तो पी नहीं सकते जो काम करते है रात में बैठ के मूंगफलियां भी खादिया उन्होंने सारा कुछ किया जी बोरिया बोरिया सारे लिफाफे भी सुटे मेरे दुकान के सारे लिफाफे बोरे तोरे सारे बगल वाली प्लाट में सारे छिटा हुआ है कोई शक किसी ते नहीं सर शक किस पे करेंगे रोड की दुकान है तो ग्राहक तो आंदे जानते रहते ना जी चल पर... ना पूरी रात रोड चल दिया जी है। फिर कह नहीं सकते किसी में कुछ भी है सीसीटीवी किसी नहीं है हले किसी से बिच नहीं आया एक तो कितने बजे आया उधर वो तो 12:18 पे एक कैमरे देख रही है मगर उसके कैमरे है ना उधर में घूमी हुई है अपने दुकान लेके आंदा बोरी लेके आंदी पर मगर वो साफ दिख नहीं रही है साफ दिख नहीं क्योंकि धुंध ज्यादा पड़ी हुई है तो एक पासे तो धुंद जी की है धुंद पैन खातर जो सीसीटीवी कैमरे से क्लीयर नहीं आ रहा तो एक तरफ दस दिए कि जोड़ा की आ थाना मेहरबान के अधीन पैंती है जगह जिते सी कैलाश नगर रोड अगे जोड़ा की आ पीर बाबे के सामने जोड़े कि इतने चोरी होंगी है तो दसा जाता कि 4-5 लाख का नुकसान है पर किसी तरह का सीसीटीवी कैमरे में हजे नहीं आ रहा पर मंदभागी घटना है एक जोड़ा शख्स आ रोज़मर्रा की जिंदगी कमा के खाते ने इन्हों ने उधार दसिया कि उधार लैके आते हैं हफ्ता बार उधार जोड़ा कि देंगे पर इस टाइम जोड़ा कि तुम देख रहे हो हफ्ते बार उधार जिन्हें मोड़ना आ जिन्हें लैन आए ने तो लैन आए ने तो अपना उधार मंगना ही मंगना आ पर जोड़ा कि 4-5 लाख का नुकसान है भी बड़ी मंदभागी घटना आ सो जो कि हम दस दिए कि इस टाइम जो कि एक पास का पुलिस दावे करती है कि लुधियाना रैड अलर्ट से आते वही सुरक्षा से भी दावे करती है कि PCR दस्ते जग लगातार इतने घूमते रहते हैं पर भी एक सवाल खड़े करता है जे एड्डी वड्डी वारदात हुंदी आ ते सवाल PCR दस्ते किन्ने PCR दस्ते ने जिहड़े की इत्थे ए सबसे ज्यादा मेरा नाम मोहम्मद रमजानी है मैं पंजाब प्रधान प्रेसिडेंट व्यापार सेल का जी हम सबसे ज्यादा नाकामी कहूँगा तो प्रशासन को जी अगर पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा नाकामी है तो प्रशासन का है क्योंकि अगर हर जगह जगह चोरी होता है ताला तोड़ा जाता है अगर PCR वाले रात को 2-3 चक्कर लगाए हर गली में लगाए तो ऐसा काम नहीं होगा चोर नुकसान से बचेगा जी क्यों जी बोले क्योंकि अपा गरीब लोग हैं इतने प्रदेश में कमान रोटी खान आया हैगा अगर इन्ना दा नुकसान होगा बंदे नू तो किदा रोटी चलूगा जी बंदा गरीब मर होगा ना तो पंजाब सरकार नू भी आपा दोष दवांगे पंजाब सरकार नू दोष देना भी बनता पर गल तुहाडे ते भी एक बनता जे तुसी दुकान दे विच 5-6 लाख का माल पा सकते हो तो एक कैमरा तुहानू भी अपनी दुकान के अंदर 3,000-4,000 का ला के रखना जरूरी कि नहीं आपा कुछ दिनों के लिए लिए थे रेंट ते पर चाहे देखो तुसी चाहे 3-4 महीने रेंट दे चलो इत्थे कैमरा लग्या होया हैगा उधर भी लग्या होया तां आपां चलो इत्थे लोड ही नहीं हैगा पर जिथे भी तुसी व्यापार करदे हो लगदा नहीं है कि छोटा जिहा CCTV कैमरा जिहड़ा तुहाडे भी लगना चाहिए क्योंकि सारा
प्रशासन से भी अभी दोष नहीं छेड़ सकते, प्रशासन अपनी जगह ठीक है अभी प्रशासन की कमी है। इन्ना दिन हो गया प्रशासन इतो आया नहीं कदे भी, मैं देखा मैं कदे भी नहीं देखा जो इतने पीसीआर वाला मैं चक्कर लगा मैं इतने 15 साल हो गया इधर जी, मैं कदे भी नहीं देखा कि इस रोड पे चाहे किसी भी रोड पे आंदा है चुप करके अपना चले जाता है। सो इल्जाम लग रहे ने प्रशासन दे भी पीसीआर दस्ता कभी भी जेड़ा कि इत्थे गेड़े नहीं मारदा ना कभी, पर एक बड़ी लापरवाही प्रशासन दे भी इहदे विच सामने आ रही है। तो एक जेड़ा गरीब बंदा इस टाइम बिलकदा है उहदी भी एक अपने आप च हुंदी, क्योंकि सारी रोजी रोटी इसी दुकानां तों चलदी है, इत्थों ही कमाउणा हुंदा है, इत्थों ही अगे पाना हुंदा है, तो अपने परिवार भी चलाना हुंदा। सो नवीं अपडेट लई जुड़े रहो साडे नाल, देखदे रहो प्राइम मुझे न्यूज़ चैनल, कैमरामैन दलेर दे नाल मनोज जी दा।